Assalamu alaikum. Welcome to this recorded video lecture. Or we are going to continue talking about stresses in power screws. ठीक है, जहाँ पे हमने पिछला अपने recorded lecture end किया है. We were talking about stresses also. और हमने दो तरह के stresses discuss कर लिए हैं. We talked about the torsional shear stresses in the body of the power screws. And we talked about the axial compressive stresses in the body of the power screws. और अभी जो हमने पॉइंट डिस्कस करना है दैट इज द बेंडिंग स्ट्रेसेस दैट डेवलप इन द थ्रेड्स ऑफ द स्क्रूज. ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेयरिंग स्ट्रेसेस एज वेल. ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात करें. बेंडिंग स्ट्रेसेस के लिए द बुक हैज एक्चुअली प्रोवाइडेड अस विद द एंटायर डेरिवेशन जिससे निकल के आया. The approach is slightly different. Usually हम ये z factor वगैरह नहीं निकालते. We usually deal with this relationship कि whenever we need to calculate bending stresses in any beam, तो what we need to know the moment. We need to know at what height from the neutral axis do we need the stresses, which is y, and we need the second moment of area I. ठीक है, तो we can use these this formula and we can derive at this relationship ourselves. So let's see how do we do that. ek cheez aur, jis tarike se humne torsion ke case mein bhi kiya tha, jab hume maximum bending stress nikalna hoga to we'll go to the maximum value of y. to agar main is thread profile ko ek beam consider kar raha hu, cantilever beam, to maine is end ko fix consider kar liya. center se iska neutral axis pass ho raha hoga, तो न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस जो है दैट इज इफ द टोटल डिस्टेंस इज पी बाई टू देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई बिकम्स पी बाई फोर. ठीक है, तो वाई मैक्सिमम फॉर अस इज पी बाई फोर, सो सी इज पी बाई फोर. एम इज द मोमेंट एक्टिंग ऑन दिस कैंटिलीवर बीम. तो इन रियलिटी क्या होगा, आपके पूरे थ्रेड जो बीम है उसके ऊपर लोड डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा. तो हेयर फॉर सिंप्लिसिटी वी आर कंसिडरिंग दैट द एंटायर लोड इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द मिडल ऑफ दिस थ्रेड. ठीक है, इसकी तो ये स्क्वायर शेप है, इसके सेंटर के ऊपर अप्लाई हो रहा है. तो आवर मोमेंट बिकम्स एफ मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस हेयर विच इज़ हाफ ऑफ पी बाई टू, तो इस बिकम्स पी बाय फोर. सही हो गया, मोमेंट आ गया. अब हमें आई निकालना है एक सर्कुलर शेप का. तो इन मसला ये है कि हमारे पास जो थ्रेड है द थ्रेड इज एक्चुअली अ हेलिक्स. Although उसकी प्रोफाइल स्क्वायर शेप ही है बट इट्स स्टिल अ हेलिक्स. ठीक, तो इस केस में हम आई कैसे निकालेंगे, तो वी नीड टू मेक सर्टेन एजम्पशंस. और एजम्पशंस ये हैं कि वी आर गोइंग फर्स्ट ऑफ ऑल से कि हमारा जो थ्रेड है इट्स नॉट अ हेलिक्स, इज जस्ट अ सिंपल सर्कल. दैट्स द फर्स्ट एजम्पशन दैट वी आर ट्राइंग टू मेक. ठीक है, तो हमारा थ्रेड इन रियलिटी वी आर सेइंग इट लुक्स लाइक दिस, इट लुक्स लाइक अ डोनट. ठीक है, इसकी हाइट जो है दैट इज दिस हाइट पी बाई टू. ठीक हो गया, और इसकी विड्थ जो है दिस इज ऑल्सो पी बाई टू, दिस वन. ठीक, अब हमने यहाँ पे एजम्पशन ये करनी है कि हाउ वी कैलकुलेट आई. तो व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू कन्वर्ट दिस थिंग इनटू अ सिंपल रेक्टेंगुलर प्रोफाइल. तो हम इस डोनट शेप ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी वॉन्ट टू convert that shape into this shape. ठीक है, इसको इसमें लेकर आना चाह रहे. ठीक, तो we need to know some dimensions. तो अगर मैं इसको cross section यहाँ पर देखूँगा तो this cross section here is going to be what? This cross section is going to be p by 2 by p by 2. p by 2 ये भी है, height भी p by 2 है. तो this is p by 2 and this is p by 2. This much is clear. What is this? That's the question. कि ये x कितना होगा. तो इसके लिए what we are going to assume here, और this is all just as these are assumptions to make very simplified models that are going to give us decent results. ठीक है, that's the basic idea. तो क्योंकि हम अपने results को stresses को यहाँ पर calculate करना है, this is where we want to calculate the stresses. क्योंकि अगर shearing हो रही होगी इसकी या फिर ये टूट रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा, तो ये यूजुअली रूट से टूटने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो वी वांट टू कैलकुलेट अवर स्ट्रेसेस हियर. तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द स्ट्रेसेस हियर व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक दिस डायमीटर एंड कैलकुलेट व्हाट द सर्कमफेरेंस हियर इज, कि ये सर्कमफेरेंस कितना है. तो दिस डायमीटर इज डी आर.
this circumference becomes pi dr. So for us x becomes pi dr. ठीक है, तो अब हमारे पास pi dr आ गया. ठीक है, अब हम क्या हमारी बीम यहाँ से कनेक्टेड है, इज दिस द लेंथ ऑफ द बीम? दैट इज़ नॉट एक्चुअली ट्रू. हमारी बीम की जो लेंथ है दैट इज़ एक्चुअली पी बाई टू. ठीक है, तो बीम इज एक्चुअली फिक्स्ड ऑन दिस लार्जर साइड, दिस साइड ऑफ द बीम इज फिक्स्ड. एंड व्हेन यू अप्लाई अ लोड हेयर, तो बीम की डिफ्लेक्शन इस थर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगी, पीछे की तरफ से बीम डिफ्लेक्ट होने की कोशिश कर. सही है, तो जस्ट रिमेंबर दिस. तो हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन है जिसका हमें आई निकालना है, इट इज़ दिस पी बाई टू मल्टीप्लाई बाय पाई डी आर. दिस इज द क्रॉस सेक्शन जिसका हमें सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया निकालना है. तो आई वी नो इज 1/12 बी एच क्यूब. बी फॉर अस इज पाई डी आर. एच इज पी बाई टू. पी बाई टू क्यूब बिकम्स पी क्यूब डिवाइड बाई 8. हमारा जो बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला है दैट इज एम, विच वी फाउंड आउट टू बी एफ मल्टीप्लाइड बाई पी बाई 4. एम मल्टीप्लाइड बाई सी. सी फॉर अस इज ऑल्सो पी बाई 4 डिवाइडेड बाई आई, विच वी हैव जस्ट फाउंड आउट. 1/12 पाई डी आर ई क्यूब बाई 8. ठीक है, तो इससे हमारे पास स्ट्रेस आ जाना चाहिए. अब यहाँ पे एक चीज़ का मसला है, वो मसला ये है कि इन अ थ्रेडेड स्क्रू यू डू नॉट हैव जस्ट वन स्क्वेयर थ्रेड विच इज बेयरिंग द एंटायर लोड. आपका जो लोड लग रहा है वो लोड एंटायर प्रोफाइल के ऊपर अप्लाई हो रहा है, सारे थ्रेड्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, सॉरी. ठीक है, तो आपके सारे थ्रेड्स लोड बेयर कर रहे हो. ठीक, तो एक थ्रेड के ऊपर कितना लोड है, तो वी कैन से ऑन अ सिंगल थ्रेड द लोड एक्टिंग. अगर हम सारे थ्रेड बराबर लोड बेयर कर रहे होंगे तो एक थ्रेड के ऊपर जो लोड हो जाएगा ऑन वन थ्रेड is going to be equals to the total load divided by the number of threads. सही, तो अगर मैं ये वाली force, this is just there to consider कि आपके पास multiple threads act कर रहे हैं. सही है, तो अगर मैं इस factor को अपनी formula के अंदर incorporate करूँगा तो FCA factor divide हो रहा है, तो I am going to get an anti here as well. सही, तो अब सिंप्लीफाई करने का टाइम आ गया. एक फोर से दिस बिकम्स टू, दिस फोर दिस बिकम्स थ्री, थ्री टाइम्स टू बिकम्स सिक्स. पी स्क्वायर से पी क्यूब में से एक पी बच जाएगा एंड आई हैव सम सिंप्लीफाइड फॉर्म. तो सिक्स एफ डिवाइडेड बाय पाई एन टी डी आर पी. दिस इज योर बेंडिंग स्ट्रेस. ठीक हो गया, तो आई थिंक दिस इज द एग्जैक्ट थिंग दैट वी हैव फाउंड आउट हेयर. तो दिस इज सिक्स एफ डिवाइड बाई पाई डी आर एन टी पी. What you need to remember here is ke F is the load, P is the pitch, DR is the root diameter and NT is the number of threads which are engaged with which are engaged to actually bear the load. ठीक है, जितने भी threads engage हुए हैं that is that number. ठीक है, तो this is just application becomes very very easy and जब exam application पे आएंगे तो you will see that we'll be able to use this formula directly. और इसमें और थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हम लोग कर रहे होंगे, दैट विल डिस्कस व्हेन वी गेट टू एन अमेरिकन. सही है, बेंडिंग के बाद देयर इज वन मोर थिंग, फाइनल टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट वी नीड टू डिस्कस एंड दैट इज द बेयरिंग स्ट्रेसेस इन द थ्रेड्स. ठीक है, अब बेयरिंग स्ट्रेसेस आप लोगों ने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स 1 के अंदर पढ़े हुए हैं. जस्ट टू रिवाइज, बेयरिंग स्ट्रेसेस क्या होते हैं कि इफ यू हैव, लेट्स से यू हैव अ होल जिसके अंदर से कोई पिन पास हो रही है, प्लेट में से गुजर रहा है, और इसी का अगर मैं साइड व्यू देखने की कोशिश करूं तो यू हैव दिस प्लेट, उसके अंदर से ये पिन पास हो रही थी, दिस इज अ पिन विच इज़ पासिंग थ्रू दिस, एंड इफ दिस इज, अगर इसके ऊपर आप कोई कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, तो लेट्स से कि मैं इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करता हूँ. ठीक है, इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, then this is going to cause a transfer of load to the pin. पिन के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर अप्लाई हो रहा हो. ठीक है, तो जो आपके पास बेयरिंग स्ट्रेस होता है, दिस स्ट्रेस इज एक्चुअली नॉट स्ट्रेस इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड. बेयरिंग स्ट्रेस इज सिंपली
अ कॉन्टैक्ट प्रेशर, जहाँ पे कॉन्टैक्ट आ रहा है उसकी वजह से एक प्रेशर जेनरेट हो रहा है, रेजिस्टेंस हो रही है दो बॉडीज की आपस में इन विच आर नॉट अलाउइंग ईच अदर टू डिफॉर्म, उसकी वजह से एक कॉन्टैक्ट प्रेशर जेनरेट हो रहा है, ठीक है। दैट कॉन्टैक्ट प्रेशर इज कॉल्ड द बेयरिंग स्ट्रेस, द बेयरिंग प्रेशर भी कह देते हैं इसको समटाइम्स, ठीक है। तो हमारे केस में हम किधर बेयरिंग स्ट्रेसेस देखना चाह रहे हैं, हम बेयरिंग स्ट्रेसेस देखना चाह रहे हैं अपने स्क्वायर थ्रेड्स, और जिस थ्रेड के अंदर आपका स्क्रू मूव कर रहा है इनके बीच में, ठीक है। तो जब लोड ट्रांसमिट होगा तो आपके थ्रेड्स के ऊपर एक लोड एक्ट कर रहा होगा, सही, सारे थ्रेड्स के ऊपर यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही होगी, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन एट दिस जॉइंट्स, जो आपके फॉर एग्जांपल दिस कुड बी द स्टेशनरी पार्ट एंड दिस कुड बी योर स्क्रू, ठीक है। आपके स्टेशनरी पार्ट है, स्टेशनरी पार्ट के अंदर आपका स्क्वायर थ्रेड मूव कर रहा है, सो दैट व्हेन आई रोटेट दिस थिंग दिस कैन गो अप एंड डाउन, और ये स्टेशनरी पार्ट जो है इट स्टेज देयर, सही है ना। तो दिस बिहेव लाइक ए नट, बोल्ट का जो नट होता है उसकी तरह बिहेव कर रहा है। तो थ्रेड्स के ऊपर देर इज गोइंग टू बी सम बेयरिंग प्रेशर एक्ट, सही, उस बेयरिंग प्रेशर को हम निकालना चाहते हैं, सही। तो बेयरिंग प्रेशर को निकालने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू कंसिडर इज वी गोइंग टू कंसिडर अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग, हम कहेंगे कि हम इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग कि हमारे पास यहाँ पे हेलिक्स है, हम वही डोनट शेप कंसिडर करेंगे एंड वी आर गोइंग टू स्ट्रेटन इट आउट, और फिर देखेंगे बेयरिंग स्ट्रेसेस क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स गो टू द ब्लैंक पेज एंड वर्क हियर। तो हमने करना क्या है, हमने हेलिक्स की जगह पे कंसीडर करना है एक सिंपल प्रोफाइल लाइक दिस, और एक सिंपल प्रोफाइल में डायमेंशंस हमने अभी अभी देख ली हैं, तो दिस इज पी बाई टू, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो पी बाई टू, आपके पास इन साइड पे रूट डायमीटर है, आउटसाइड पे यू हैव मेजर डायमीटर, देयर इज गोइंग टू बी मीन डायमीटर इन द मिडल एज वेल, ठीक है। तो द डायमीटर्स आर देयर, सही, पी बाई टू, पी बाई टू हाइट, और जो आपकी थिकनेसेज हैं वो भी आ गई हैं। इसको जब हम स्ट्रेटन आउट करते हैं तो वी गेट द सेम सॉर्ट ऑफ प्रोफाइल हेयर, समथिंग लाइक दिस, दिस इज पी बाई टू, दिस इज पी बाई टू। दिस नाउ इज अगेन अ क्वेश्चन कि हम इसमें कौन सा डायमीटर कंसिडर कर रहे होंगे, डू वी कंसिडर द सेम डी आर जैसे हमने बेंडिंग के केस में किया था, या हम कुछ और भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अगेन यू कैन कंसिडर डी आर, बट वट द बुक हैज डन हेयर इज दैट दे हैव कंसिडर द मीन डायमीटर इन दिस केस, क्योंकि हम लोग इन रियलिटी अब यहाँ पे स्ट्रेसेस नहीं निकालना चाह रहे, ठीक है। बेयरिंग्स जो इंटरेक्शन हो रहा होगा वो इन सर्फेसिस पे हो रहा होगा, सही है ना। तो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो वी आर एक्चुअली लुकिंग, वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस थ्रेड इन टू दिस शेप, इस शेप में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम यहाँ पे बेयरिंग प्रेशर मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन द टॉप सर्फेस। तो वॉट वी वॉन्ट टू डू इज वॉन्ट टू नॉट जस्ट सी के इस पॉइंट पे लेंथ कितनी निकल के आती, बट वी आर कंसिडरिंग कि मीन डायमीटर पे मेरा कितना सर्कमफेरेंस बनेगा। दिस इज जस्ट अ चॉइस द बुक हैज मेड एंड वी आर गोइंग टू फॉलो इट। अगर कोई ये कहता कि मैं रूट डायमीटर से निकाल लेता हूँ एंड वी वुड नॉट हैव सेड कि दैट इज एन एंटायरली रॉन्ग चॉइस, बिकॉज अगेन ये सिंप्लीफिकेशन की जा रही एंड द सिंप्लीफिकेशन कुड हैव टर्न्ड आइदर वे। तो द सिंप्लीफिकेशन फॉर द केस ऑफ बेयरिंग स्ट्रेसेस इन द बुक इज दैट कि उन्होंने इसको मीन डायमीटर पे सर्कमफेरेंस से रिप्लेस कराया, ठीक है। आपके पास लोड टॉप सरफेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है, सही है। बेयरिंग स्ट्रेसेस आर अप्लाइड ऑन द टॉप सरफेस हेयर, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, और जो बेयरिंग आपके पास जो भी बेयरिंग प्रेशर है जिसको हम कैपिटल बी सी एस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज सिंपली एफ अपॉन ए है और कुछ भी नहीं है। फोर्स के साथ वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग, वी आर गोइंग टू से कि वी हैव एन एन टी नंबर ऑफ थ्रेड्स, तो ऑन ईच थ्रेड द लोड इज एफ अपॉन एन टी, एंड द एरिया हेयर, दिस एरिया विच इज अपोजिंग द फोर्स इज पाई डी एम पी बाई टू, ठीक है। तो एन टी कैन बी टेकन डाउन हेयर, सही है, तो एन टी कैन बी रिमूव फ्रॉम हेयर एंड कैन बी रिटन हेयर, एंड दिस इज सिंपली योर बेयरिंग स्ट्रेसेस, सही है, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। बेयरिंग स्ट्रेसेस भी क्योंकि
कंप्रेसिव नेचर में होते हैं, दे आर एक्टिंग इन टू द बॉडी, तो वी हैव पुट अ माइनस साइन हियर एज वेल, सही, एक माइनस साइन हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया, ठीक हो गया. तो देर इज नथिंग स्पेशल गोइंग ऑन. आपके बेंडिंग और बेयरिंग स्ट्रेसेस में दोनों में एक एजम्पशन हमने की हुई है कि हमने एक हेलिक्स शेप को सिंपल डोनट शेप में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसको स्ट्रेच आउट कर दिया, स्ट्रेटन आउट कर दिया, और स्ट्रेटन आउट करने के बाद वी हैव अप्लाइड द वेरी फंडामेंटल फार्मूलाज एफ अपॉन ए टू कैलकुलेट बेयरिंग स्ट्रेसेस और बेंडिंग स्ट्रेस फार्मूला एम सी अपॉन आई फॉर कैलकुलेटिंग द बेंडिंग स्ट्रेसेस, ठीक है. तो हमारे पास इस पॉइंट पे सारे स्ट्रेसेस जो हैं कंप्लीट हो गए, ठीक है. तो व्हाट वी नाउ नीड टू सी कि ये स्ट्रेसेस एक्चुअली एक्सिस सिस्टम में किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं. तो हमारे पास जो एक्सिस सिस्टम है, तो वी आर सेइंग वी आर टेकिंग दिस एक्सिस सिस्टम, दिस डायरेक्शन हेयर इज एक्स, द एक्सिस ऑफ द स्क्रू इज इन वाई, और इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी कि इसमें आउट ऑफ द स्क्रीन जो हमारे पास डायमेंशन आ रही है दैट इज जेड. तो जो हमारे बेंडिंग स्ट्रेसेस होते हैं वो इन रियलिटी किस डायरेक्शन में होते हैं, इफ़ यू थिंक अबाउट देम, द बेंडिंग स्ट्रेसेस आर एक्चुअली टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस. तो मेरे जो न्यूट्रल एक्सिस होता है उसके अबाउट मेरे पास टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है. तो माई स्ट्रेसेस आर गोइंग टू एक्ट लाइक दिस, ठीक है. तो मेरे पास क्योंकि यहाँ से मैं फिक्स हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ऑन द साइड अबव द न्यूट्रल एक्सिस टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं और बिलो इट मेरे पास कंप्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं. बट यू हैव टू रिमेंबर कि द एक्सिस जो ये वाली डायरेक्शन है आपके पास स्ट्रेसेस, एंड दिस डायरेक्शन इज एक्चुअली एक्स डायरेक्शन, ठीक है. तो जो आपके बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं दोज आर एक्चुअली योर सिग्मा एक्स, सही हो गया. जो आपके पास एक्सियल स्ट्रेसेस आ रहे थे, हमने जो एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस निकाले थे एफ अपॉन ए करके, दो स्ट्रेसेस आर इन द वाई डायरेक्शन एज यू कैन सी, ठीक है. वाई डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है एफ, तो वाई डायरेक्शन में स्ट्रेसेस हैं, तो एक्सियल स्ट्रेसेस आर सिग्मा वाई. और हमारे पास जो टॉर्जनल स्ट्रेसेस आ रहे हैं दोज आर वी आर कंसिडरिंग इन टॉ वाई जी, सही है. आप इसको टॉ एक्स वाई भी कंसिडर कर सकते थे बिकॉज आपके पास आपने टॉर्जन का केस पढ़ा हुआ है ना, राइट. तो डिपेंड करता है कि आप अपने यूनिट जो बना रहे हैं वो किधर बना रहे हैं, आप अपना यूनिट जो एलिमेंट है वो किधर बना रहे हैं, अपना स्ट्रेस एलिमेंट ऊपर बना रहे हैं कि साइड में बना रहे हैं, ठीक है. जिधर भी लेंगे, इफ़ यू टेक दिस और यू टेक दिस, दिस डज नॉट रियली अफेक्ट अस दैट मच, ठीक है. हमारे पास जो हमने काम करना है वो उसमें कोई मसला नहीं होगा, ठीक है. दिस विल बी परफेक्टली ओके बोथ केसेस. तो बुक के अंदर जो कन्वेंशन यूज हुई थी, वेलकम टू कंटिन्यू यूजिंग दैट, ठीक है. तो हमारे पास तीन डिफरेंट स्ट्रेस कॉम्पोनेंट्स आ गए. यू नीड टू रिमेंबर कि बेयरिंग स्ट्रेस इज नॉट ट्रूली अ स्ट्रेस. तो बेयरिंग स्ट्रेस इधर शो नहीं हो रहा, ठीक है. देर इज नो बेयरिंग स्ट्रेस शोन हेयर. यहाँ पे सिर्फ एक्चुअल जो स्ट्रेस के कॉम्पोनेंट्स हैं वो शो हो रहे हैं, एंड वी कैन शो दीज स्ट्रेसेस ऑन अ स्ट्रेस एलिमेंट एज वेल. तो अगर मैं एक स्ट्रेस एलिमेंट लू, ठीक है, दिस इज एक्चुअली शो इधर एच के ऊपर, टिप के ऊपर मैंने स्ट्रेस एलिमेंट लिया, वो स्ट्रेस एलिमेंट ये बन के आया, थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस एलिमेंट है. इसमें सिग्मा एक्स एक्ट कर रहा है, सिग्मा वाई एक्ट कर रहा है, और टाउ वाई जी एक्ट कर रहा है. टाउ वाई जी, इफ यू रिमेंबर द कन्वेंशन, इनमें से पहली वाली साइड जो हम लेते हैं दैट इज द नॉर्मल डायरेक्शन टू द प्लेन, प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन होती है, और जो दूसरा वाला यहाँ पे एक्सिस होता है, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेस वेक्टर, ठीक है. तो हमारे पास टाउ वाई जी इज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू वाई एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स जेड, टाउ वाई जी. इसके साथ में हम यहाँ पे टाओ जेड वाई भी बना सकते हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी इक्विवेलेंट. हमें पता है कि जब हम स्ट्रेस बनाते हैं तो शियर स्ट्रेस बनाते हैं, शियर स्ट्रेस अकर इन पेयर्स, ठीक है. तो टाओ वाई जी इज एक्चुअली इक्वल्स टू टाओ जेड वाई, दिस यू शुड नो, ठीक है. होपफुली आपने ये चीज़ मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स वन के अंदर पढ़ी हुई है, ठीक है. बट इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर दिस, दिस डज नॉट रियली अफेक्ट अस दैट मच. नाउ हमारे पास हुआ क्या, हमारे पास तीन डिफरेंट तरह के स्ट्रेसेस आ गए. अब नाउ वी कैन यूज दिस टू एक्चुअली सी वेदर अवर बोल्ट्स अवर स्क्रूज आर सेफ और नॉट, ठीक है. हम ये देख सकते हैं कि हमारे जो स्क्रू के अंदर एक्चुअल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे होंगे वो कितने होंगे, ठीक है. एंड तो ओवरऑल स्ट्रेस हमने चेक करना है अपने पावर स्क्रू के अंदर, एंड देन वी कैन कंपेयर द स्ट्रेस टू सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड सी वेदर अवर स्क्रू इज गोइंग टू फेल और नॉट, सही हो गया.
लेट्स सी हाउ वी प्रोसीड विद दैट. सबसे पहले हमें काम ये करना पड़ेगा कि वी नीड टू डिस्कस कि हाउ वी एक्चुअली चेक वेदर अ मेटालिक स्ट्रक्चर इज फेलिंग और नॉट अंडर लोड. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास मेटल्स की फेलियर थ्योरीज हैं. दिस इज गोइंग टू बी कवर्ड इन मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल्स 2 इन डिटेल. ठीक है, ये पूरा टॉपिक मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल्स 2 के अंदर कवर होता है. हम लोग इसको उतना कवर कर लेंगे क्विकली जितना हमने अपने कोर्स में यूज करना. सही है, तो हमारे पास मेटल्स के लिए देयर आर टू पॉपुलर थ्योरीज. एक को हम कहते हैं वॉन मैसेज स्ट्रेस थ्योरी, दूसरी है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी. ठीक है, बोथ ऑफ दीज कैन बी यूज. ज़्यादा जो यूज होती है दैट इज वॉन मैसेज स्ट्रेस थ्योरी, दिस इज यूज अलॉट. सही है, अब हाउ डू वी यूज दिम, यूज करने का तरीका क्या है. हमारे पास दोनों के लिए देर आर सर्टन फार्मूलाज अवेलेबल टू अस एंड वी कैन यूज दोज फार्मूलाज टू कैलकुलेट द वॉन मैसेज स्ट्रेस एंड द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस. मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आप लोग निकाल भी चुके हैं इन मोहर सर्कल. इफ यू हैव स्टडीड दैट यू नो हाउ टू कैलकुलेट दिस. ठीक है, तो अदरवाइज वी हैव फार्मूलाज एंड वी कैन यूज दोज फार्मूलाज टू चेक. प्लीज, हमने अभी क्या किया है, हमने अभी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टॉ वाई जी के फार्मूले देखे. तो हमारे पास सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टॉ वाई जी के रिलेशनशिप मौजूद है. सिग्मा जेड हमारे सिस्टम में ज़ीरो है, टॉ एक्स वाई हमारे सिस्टम में ज़ीरो है, टॉ जेड एक्स हमारे सिस्टम में ज़ीरो है. तो हमारी वॉन मैसेज स्ट्रेस की रिलेशनशिप एक्चुअली बहुत सिंप्लीफाइड है. ठीक है, वी कैन जस्ट यूज दैट टू कैलकुलेट द वॉन मैसेज स्ट्रेस. और वॉन मैसेज स्ट्रेस कैलकुलेट करने का एक्चुअल फ़ायदा क्या है, दैट इज़ अ क्वेश्चन दैट सम ऑफ यू माइट हैव. अगर हम इसको सिंपल उस चीज़ पर चले दोबारा से फैक्टर ऑफ सेफ्टी के ऊपर. फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम डिफाइन करते थे सम फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ इन मेटल्स, दैट स्ट्रेंथ इज मोस्टली द यील्ड स्ट्रेंथ, सिग्मा वाई कह देते हैं, या फिर समटाइम्स वी कॉल इट एस वाई एज वेल. सही है, स्ट्रेंथ इन द यील्ड स्ट्रेंथ एंड वी डिवाइडेड बाई द स्ट्रेस. अब आपके पास तीन डिफरेंट स्ट्रेसेस हैं, सिग्मा एक्स भी है, सिग्मा वाई भी है, टाउ वाई जेड भी है. तो विच स्ट्रेस आर वी गोइंग टू यूज टू कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी. अगर हम खाली एक यूज कर लेंगे तो बाकी दोनों का इफेक्ट किधर जाएगा. तो व्हाट पीपल हैव कम अप विद इज दे हैव कम अप विद इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस. तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, दिस मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एंड दिस वॉन मैसेज स्ट्रेस, दीज आर इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस. ठीक है, तो हम किसी इक्विवेलेंट स्ट्रेस से इसको डिवाइड कराते हैं. रिमेंबर कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का तरीके का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. तो विल टॉक अबाउट दिस व्हेन वी गेट हियर, बट फॉर वॉन मैसेज स्ट्रेस थ्योरी दिस इज अ सिंपल रिलेशनशिप. दिस इज फॉर अस द वॉन मैसेज स्ट्रेस. सही है, अब दिस वॉन मैसेज स्ट्रेस टेक्स केयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड टाउ वाई जेड. दिस इज नॉट एन एक्चुअल फिजिकल स्ट्रेस. वॉन मैसेज स्ट्रेस इज जस्ट अ थियोरेटिकल स्ट्रेस. हम अपने एक्चुअल थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस स्टेट को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इन टू अ सिंपल यूनी एक्सियल स्ट्रेस, यानी कि एक सिंपल प्लेट लेके उसमें मैं कितना स्ट्रेस अप्लाई करूँ कि वो चीज़ यील्ड होने लगे. अगर मैं अपनी तो हम इक्विवेलेंस क्रिएट कर रहे हैं अपने थ्री डायमेंशनल स्ट्रेसेस की, जो मैंने अभी हमने निकाले थे कि हमारे पास थ्री डायमेंशनल स्ट्रेसेस हैं, उनकी हम इक्विवेलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं विद अ सिंपल यूनी एक्सियल स्ट्रेस स्ट्रेस. तो दिस इक्विवेलेंस इज कॉल्ड द अप्रोच दैट वी आर यूजिंग इज द वॉन मैसेज स्ट्रेस. ठीक है, हमारे लिए इसको समझना इतना ही इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट पे कि वॉन मैसेज स्ट्रेस क्या करता है. आपको सारे स्ट्रेसेस का इफेक्ट कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रेस में दे देता है. उसको यूज़ करके यू कैन चेक फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यू कैन जस्ट कंपेयर इट विद द यील्ड स्ट्रेंथ एंड सी की यील्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है. फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं. तो वी कैन डू ऑल ऑफ दिस विदाउट दिस इक्विवेलेंट स्ट्रेस. अगर मल्टीपल स्ट्रेस कॉम्पोनेंट्स यू कॉन्ट डू दिस, ये नहीं हो सकता. ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर कि जब भी आपके पास एक से ज़्यादा तरह के स्ट्रेसेस होंगे सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो यू नीड टू कैलकुलेट दिस. प्लस अगर आपके पास सिंपल एक सिग्मा एक्स या आपके पास खाली सिग्मा एक्स हो, या फिर आपके पास खाली सिग्मा वाई हो, या खाली सिग्मा जेड हो, तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा के अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे. बट अगर आपके पास खाली टाओ भी आ रहा है ना, तब आपको वॉन मैसेज स्ट्रेस निकालना पड़ेगा. ठीक है, वी आर गोइंग टू गेट टू दिस पॉइंट व्हेन वी डिस्कस वेल्डिंग. वेल्डिंग में आके हम इस पॉइंट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि शेयर स्ट्रेस से वॉन मैसेज स्ट्रेस तक जाने का क्या तरीका है और उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं हमारे फैक्टर ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले को. ठीक है, तो दैट इज़ फॉर अ लेटर टाइम. अभी जिस
सी कि हमारे पास एक रिलेशनशिप है सेकंड वाली, ठीक है, दिस वन इक्वेशन 5-14, इसको यूज़ करके वी कैन फाइंड आउट अवर वॉन मैसेज स्ट्रेस. एक और रिलेशनशिप है 5-12, वी कैन यूज दिस इज वेल टू कैलकुलेट वॉन मैसेज स्ट्रेस. इसके अंदर लेकिन हम सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 डाल दें एंड दीज आर योर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. ठीक है, अगर आपको पहला फॉर्मूला यूज करना है तो आपको पहले प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे. ठीक है, दूसरी जो हमारी थ्योरी है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, इसके अंदर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस रिक्वायर्ड ही हैं. देर इज नो रिलेशनशिप हेयर इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टो एक्स वाई, टो वाई जी, कुछ भी नहीं. तो हमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए वी नीड सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3, सबसे बड़ा और सबसे छोटा प्रिंसिपल स्ट्रेस आपको चाहिए. ठीक है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, दिस गिव्स यू द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस. एंड टू गेट फ्रॉम दिस मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, इफ यू वॉन्ट टू एक्चुअली कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, द रिलेशनशिप हेयर इज स्लाइटली डिफरेंट. ठीक है, तो अब हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो एस वाई अपॉन टाउम एक्स नहीं, दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी. इंस्टेड वी हैव एस वाई डिवाइड बाई 2 टाउम एक्स, एंड दिस इज समथिंग यू नीड टू टेक फॉर ग्रांटेड एट दिस पॉइंट. आपको मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स 2 के अंदर इस पूरी चीज़ की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी. ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स के अंदर फेलियर थ्योरीज डिटेल में डिस्कस्ड है. यू विल गेट एन आइडिया अबाउट हाउ वी गेट टू दिस पॉइंट देयर. सही है, ये चीज़ आएगी जब आप पूरी इसकी स्ट्रेसेस की थ्योरी, 3-डायमेंशनल स्ट्रेसेस की थ्योरी पढ़ते हुए आ रहे होंगे, यू विल गेट दिस पॉइंट. ठीक हो गया, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हेयर इज सिंपली yield strength divided by the equivalent stress. Factor of safety here is your yield strength divided by 2 times the maximum shear stress. ठीक है, तो I'll leave these formulas here so that you are able to use this. सही हो गया. Now, तो we are actually done with the discussion on stresses. एक final point discuss करना है related to the loads that are acting on the screws, and then we'll stop this lecture as well. Okay, and we're going to do an example in the next lecture. I think this is quite enough for this one. Your final cheez humne discuss karni, this is actually related to what we talked about earlier, ki hamare paas jab bhi multiple threads hote hain aur load apply ho raha hota hai, to the load is actually applying on all the threads. Sahi hai? अब इनिशियली तो बात बिल्कुल ठीक थी कि हमारे पास यहाँ पे ऐसा होगा कि वी आर गोइंग टू हैव, लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द इंक सो दैट आई कैन ड्रॉ दिस. आई मेक द सेम थिंग हेयर कि मेरे पास यहाँ पे कोई ना कोई एक स्टेशनरी नट टाइप की अरेंजमेंट है जिसमें आपका स्क्रू मूव कर रहा है. अब जब आपके स्क्रू के ऊपर लोड अप्लाई होगा ना, व्हेन लोड इज़ अप्लाइड on your screw, I need to go back to the same color. Then what is going to happen is कि your screw, since it is in compression, इसकी body shrink होने की कोशिश करें. जब भी body shrink होने की कोशिश करेगी, यहाँ पर उसको resistance feel होगी in positions, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जहाँ पर nut face हो. सही, इसकी वजह से क्या होगा कि not all screws are going to actually bear the load, और जो screws के threads जो हैं आपके, sorry, not all threads are going to bear the load, और जो threads load bear कर भी रहे होंगे ना, उनमें भी load बराबर divide नहीं हो रहा होगा. सही है, तो engaging nut in tension, because आपके पास यहाँ पे this thing is in compression, यहाँ पे एक F apply हो रहा है, but जब ये load, ये force जो है इस red वाले part के ऊपर apply होगी, this part is going to come under tension. ये stretch होने की कोशिश करें. सही है, similarly ये वाला part भी stretch होने की कोशिश करेगा, red वाला part. तो आपका जो nut है ये tension में जाने की कोशिश कर रहा है, और आपका जो screw है वो compression में जाने की कोशिश कर रहा है. होगा क्या, आपकी जो pitch है ना nut की और आपके screw की, ये दोनों mismatch होना शुरू हो जाएंगे. और हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ा था कि pitch का same होना ज़रूरी है. अगर pitch same नहीं होगी तो आपकी जो इंगेजमेंट है वो अच्छी नहीं होगी. तो देर गैप्स आर गोइंग टू डेवलप बिटवीन द नट एंड द बोल्ट थ्रेड्स. ठीक है, उनके बीच में गैप्स आना शुरू हो जाएंगे. अब ये गैप्स हमारे लिए नुकसानदेह, इनका नुकसान ये होगा कि हमारे पास जो भी थ्रेड्स लोड बेयर कर रहे थे
वो सारे थ्रेड सेम अमाउंट ऑफ लोड बेयर नहीं कर पाएंगे. द लोड इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट नॉन यूनिफॉर्मली बिटवीन द थ्रेड्स. ठीक है. और वो पीपल हैव डन स्टडीज ऑन दिस एंड देन व्हाट दे हैव कम अप विद इज सम टाइप ऑफ अ रूल ऑफ थंब जिसको हम यूज़ कर रहे होंगे. अब वो रूल ऑफ थंब हमें ये बता रहा है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोड इज बॉर्न बाय द फर्स्ट थ्रेड. ठीक है. जो फर्स्ट थ्रेड है वो 38% ऑफ द लोड को बेयर कर रहा होता. सेकेंड थ्रेड 25% ऑफ द लोड को बेयर कर रहा होता. ठीक है. सो दिस इज 63%. सही हो गया. थर्ड थ्रेड इज गोइंग टू बेयर एन एडिशनल 18%. ठीक हो गया. सो दिस इज 81%. 81% ऑफ द लोड इज बीइंग बॉर्न बाय द फर्स्ट थ्री थ्रेड्स ओनली. एंड बाय द टाइम यू गेट टू द सेवेंथ थ्रेड देयर इज नो लोड एक्टिंग ऑन इट. पहले छह थ्रेड सारा लोड बेयर कर रहे हैं. तो हमने जो फार्मूला ड्राइव किए हुए हैं ना, फॉर एग्जांपल हमने फार्मूला ड्राइव किया था बेंडिंग स्ट्रेस का. बेंडिंग स्ट्रेस का जो हमारा फार्मूला था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इट वाज 6P डिवाइड बाय पाई एन टी डी आर पी. मे बी दिस इज कोई मिस्टेक हो सकती है, बट मोस्ट लाइकली था. इसके अंदर हमने अजम्पशन ये की थी कि जो लोड एन टी नंबर ऑफ थ्रेड्स के ऊपर इक्वली डिवाइडेड है. सही है ना. तो वी नीड टू कम अप विद अ स्ट्रेटजी जो इस प्रॉब्लम को कैटर कर सके कि सारे थ्रेड सेम अमाउंट ऑफ लोड बेयर नहीं कर. उसका तरीक़ेकार क्या है? उसका तरीक़ेकार यह है कि हम सिर्फ पहले थ्रेड के ऊपर ही सॉल्यूशन करेंगे. उसकी वजह यह कि पहला थ्रेड मैक्सिमम लोड बेयर कर रहा है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वेन एवर वी नीड टू कंसिडर एन टी, जब भी एन टी नंबर ऑफ थ्रेड्स को कंसिडर करना पड़ेगा, तो हम एन टी को वन कर देंगे सिर्फ उस पर्टिकुलर फार्मूला के अंदर. और जहाँ पे हमें फोर्स की वैल्यू इनपुट करनी है, फॉर एग्जांपल आपके पास सिग्मा बी जो आ रहा था, इट वाज 6F डिवाइडेड बाय पाई एन टी डी आर पी, दिस वी विल चेंज टू 6 × 0.38F. सेफ इस फॉर्मूला के अंदर पाई इंटू एन टी बिकम्स 1 डी आर पी. क्यों हमने ये किया? क्योंकि हम स्ट्रेस निकालना चाह रहे हैं. हमें पता है मैक्सिमम लोड पहले थ्रेड के ऊपर है, तो पहला थ्रेड मैक्सिमम लोड बेयर कर रहा होगा. ठीक है. तो हमने पहले थ्रेड के ऊपर ही सिर्फ सॉल्यूशन करना है. वो 38% लोड बेयर करता है, 38% लोड डाल दिया. एक थ्रेड की बात हो रही है तो एन टी इक्वल्स टू 1 डाल दिया. ये सेम काम हम बेयरिंग स्ट्रेस में भी करेंगे और बेंडिंग स्ट्रेस में भी करेंगे. ठीक है. दिस इज जस्ट वर्क अराउंड फॉर द प्रॉब्लम दैट वी हैड. सही है ना. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर. When we come next time around, we are going to go back to example 8-1. 8-1 के अंदर हमने पहला पार्ट कर लिया. We have talked about the dimensions, कैसे निकालते हैं. टॉर्क एफिशेंसी हमने दोबारा निकालनी. एंड what is additional here is अब हमें कॉलर की इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है. कॉलर की फ्रिक्शन, कॉलर का मीन डायामीटर. तो हमने पहले जब किया था उस वक्त हमने कॉलर के बारे में नहीं पढ़ा था, तो वी डिड नॉट टॉक अबाउट दिस. नाउ वी नो अबाउट द कॉलर थिंग. तो कॉलर की फ्रिक्शन को ऐड करते हुए वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द राइजिंग टॉर्क एंड द लोअरिंग टॉर्क. एंड वी आर गोइंग टू सी वेदर द लोअरिंग टॉर्क इज पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके, मतलब सेल्फ लॉकिंग है कि नहीं. पिछले केस में सेल्फ लॉकिंग नहीं था. ठीक है. देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एफिशिएंसी. सेम तरीका है, बट नंबर चेंज हो जाएगा बिकॉज टी आर चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस कॉलर फ्रिक्शन. उसके बाद वी आर गोइंग टू जंप टू द स्ट्रेसेस. और स्ट्रेसेस के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज एप्लीकेशन इज जस्ट फार्मूलाज. एप्लीकेशन में कोई मसला नहीं. तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ऑल द स्ट्रेस कॉम्पोनेंट्स एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टू इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस, वन मैसिव स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस. एंड दैट विल कवर एग्जाम्पल 1. एंड देन वी आर गोइंग टू ऑल्सो कवर ए एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम इज वेल, प्रॉब्लम 8-8 इफ आई एम करेक्ट. ठीक है. तो ये काम हमारे मंडे के बाद वाले लेक्चर में होगा. तो मंडे तक आपने ये वाली चीज़ें स्टडी करनी है. ठीक है. सो लेट्स एंड दिस हियर. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.